कि सरकार यहाँ की निकम्मी हो चुकी है। महंगाई कम करें, महंगाई पर ध्यान दें। मकान ढहना ढहा दो, इसका मकान ढहने जा रहे हैं, उसको बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव में शांति व्यवस्था ज्यादा चाहिए। एनबीटी की टीम गाजीपुर के अलग अलग इलाकों में चुनावी राय जानने के क्रम में गाजीपुर के रजदेपुर शहरी इलाके में पहुंची है। आप देख रहे हैं, सर्दी शाम है और लोग अलाव सेक रहे हैं। पीछे यहाँ एक कबाब की दुकान है जहाँ से लोग कबाब भी लेकर के और उसका स्वाद चख रहे हैं। जुम्मे का दिन है, काफ़ी सारे लोग नमाज अदा करने के बाद यहाँ एकत्र होते हैं, अपनी राय को एक दूसरे से साझा करते हैं। और इस जगह के बारे में एक और बहुत रोचक बात है कि जहाँ हम खड़े हैं, इस सड़क के उस तरफ सदन विधानसभा क्षेत्र है और जहाँ हम सड़क के इस तरफ खड़े हैं यह जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि यह रोड जो है यह डिवाइडिंग लाइन है। सदर विधानसभा क्षेत्र से संगीता बलवंत वर्तमान में विधायक हैं, जो कि सहकारिता राज्य मंत्री भी हैं। वहीं जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव वहां के विधायक हैं। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के इस इलाके की आवाम क्या राय रखती है, यह जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और शुएब अहमद है, शुएब अहमद साहब से हम जरा बातचीत करते हैं और इस अकलियत इलाके के सियासी माहौल की जरा हम तासीर समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा मुझे ये बताइए कि इस इलाके के लोग जो है वो 2022 के चुनाव को लेकर के क्या चाहते हैं? भाई, चाहते हैं कि सरकार यहाँ की निकम्मी हो चुकी है। जो आज की डेट में सरकार यहाँ पे है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। अभी तक 40 साल हमने देखा अपने होश में, कभी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी थी। सिर्फ एक बार आया था कि दाल का दाम बहुत बड़ा था बीजेपी सरकार में और प्याज का, मगर इस बार जो है तो सब पर बढ़ गया, कोई चीज़ बची ही नहीं यहाँ पर है। इसके पहले की सरकारों में क्या होता था? तो बीजेपी की सरकार थी। इसके पहले सूबे में किसकी सरकार थी? इसके पहले सूबे में बसपा की, ज्यादा बसपा की थी। उसमें इतनी महंगाई तो नहीं थी। कैसे मापते हैं कि इसमें ज्यादा उसमें कम है? 190 रुपया बता तो रहे हैं आपको, 190 रुपया कड़वा तेल हो गया, 180-190 रुपया रिफाइन तेल हो गया, आटा कहाँ चला गया, 17 रुपये से चला गया 26 रुपया। गरीब आदमी कहाँ, सिर्फ आपको अनाज बांट देने से कंट्रोल में क्या उन गरीबों का सबका पेट भर जाएगा? चाहते क्या करें सरकार, बताइए। महंगाई कम करें, महंगाई पर ध्यान दें और व्यापार देखें, व्यापार कितनी परेशानी में है। क्या परेशानी है बताइए? किसी का माल नहीं आ रहा, GST आपने 18% कर दिया, 20% कर दिया, आपको GST कम करना होगा। आपने जो व्यापारियों का फोरम है, कभी उस फोरम से आप बात रखी? बात रखी हमने, कोई सुनता ही नहीं, कोई बात नहीं करता हम लोगों से। कहता जो सरकार कहेगी वही करेंगे हम। अच्छा, आप कौन है? जो हम सरकार का आंकड़ा जानते हैं और किसी का नहीं जानते। प्रशासन भी यही कहती है, जो सरकार करती है मकान ढहना ढहा दो। अरे कुछ तरीका उसका है, कोई कानून है? क्या तरीका हो मकान गिराने का? कीजिए, जिसका मकान ढहने जा रहे हैं उसको बताएंगे। नोटिस तो भेजी जाती है। कहाँ किसी के पास नोटिस गई है? किसी के पास नोटिस नहीं गई है। तेरी डॉक्टर आजम की हम बात कर रहे हैं आपसे हम। तो क्या हो गया वहाँ? ढा गई बिल्डिंग, ढा दिया आपने, खोआ मंडी में बिल्डिंग ढा दिया आपने। क्या करना चाहिए था? उसको अपनी कस्टडी में ले लेते। आपकी कस्टडी में बहुत से आपके काम है, जब फैसला होता तो होता। मुख्तार अंसारी का ढा दिया आपने, गुंडा बदमाश दिखा के, हमसे उनसे क्या लेना देना है? चलो, आप लोग व्यापार, हम हैं, हम व्यापारी हैं ना। और उनका ढहा तो आपको सहूलियत कैसे हुई? कई सहूलियत आपकी? सहूलियत असहूलियत हुई कैसे? सहूलियत हुई ना, कैसे हुई भाई? वहाँ मरीज जाते थे, वहाँ बहुत से मरीज वहाँ काम। अब मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अंसारी साहब की, तो कादरी साहब की बात कर रहे हैं। कादरी साहब आप ढहाने की बात कर रहे हैं ना, ढहाने की बात हो रही, मकान ढहाने की बात हो रही ना, तो आप ढहा नहीं पाइए। आप दिखाते हैं कि, सुन रहा हूँ, आप दिखाते हैं कि बदमाश गुंडा, तो व्यापार से क्या मतलब उससे, गुंडा से? वो तो आपका प्रशासन समझे उसको, कि उसको कहाँ रखना है, कहाँ रखना करना है। मगर हम जो व्यापारी हैं ये कहाँ जाएंगे? इनके कई बार सोचा आपने कि इतनी महंगाई हो गई, इनकी दुकानदार कहीं चलेगी? ये तो महंगाई वाला मुद्दा हो गया। और क्या चाहिए आपको जो व्यापारियों का जो है कि उद्धार हो जाए? आप GST कम करिए सीधे सीधे, तो आप बता चुके हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अरे तो कम करके आइए ना, तो सरकारें निकम्मी है, कोई विकास नहीं इनका है पूरे शहर के। विकास की परिभाषा क्या है आपकी? विकास की, आप विकास में देख लीजिए, रोड आता है, रोड भी बन जाए, सारा काम हो जाए,
और जनता सुकून से रहे। आज कोई जनता सुकून से नहीं है। बेसुकूनी की बात क्या है? है क्या बात है कि बेसुकूनी परेशान है? बिजनेस अपने परेशान है, वो जो बिजनेस नहीं हो रहा। आइए तो बिजनेस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की भी तो बात करिए। सबकी तो बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए। अभी तक आपने देखा होगा कभी कदार पेपर लीक होता था, यहाँ तो जितने भी पेपर हुए सब लीक हो गए। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके लोग क्या कर रहे हैं? कैसे लीक हो जा रही है? आप कैसे चौकीदार हैं भाई? आपकी चौकीदारी में सब लीक हो जा रहा है। सारा पैसा बच्चों को आप ले रहे हैं। पैसा कहाँ जा रहा? रिटर्न क्यों करते उनका पैसा? आप तो ले रहे, पॉकेट में रख ले रहे। तो ये एक जनाब थे जिनकी की अपनी सोच है, अपनी समझ है, जिसके दायरे में ये हमसे बातचीत कर रहे थे। और ये ऐसा चाहते हैं कि सरकार को व्यापारियों के परेशानियों को ध्यान में रखकर जीएसटी और अन्य मसलों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ये हमारे साथ रजदेपुर शहरी क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि 2022 के चुनाव में क्या कुछ मुद्दा जो है वो चुनाव में हावी रहेगा और इन लोगों की आगामी चुनाव को लेकर के वोट करने का क्राइटेरिया क्या होगा। जनाब अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शबीहुल हसन। हसन साहब आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि 2022 में मार्च में चुनाव होंगे विधानसभा के, आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो कैंडिडेट या पार्टी का चुनाव किस आधार पर करेंगे? किसको वोट देना है उसकी कुछ शर्तें तो जहन में आपके होंगी, वो क्या शर्तें होंगी? अरे भाई बहुत सारी व्यवस्थाएं जो रही हैं सरकार की, जो मसलन बताएं ज़रा, जो आम आदमी सब लोग परेशान रहे, चाहे कोरोना काल रहा हो, अच्छा इस तरीके से सारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकार की वो कहीं से भी जनता के हित में नहीं थी। थोड़ा विस्तार दीजिए, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या है जो कि परेशानी का सबब बना है। बीमारी में ही सारे लोग परेशान थे, और रोज़गार को लेकर देख लीजिए हर तरीके की परेशानियाँ हैं। आम बच्चे से सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो इस वजह से इस बार जो है समाजवादी जो है यहाँ से फिर वीरेंद्र यादव जो है पुनः दूसरी बार जो है, उनके पिताजी भी थे, उनकी माताजी भी थी, ये भी थे, इस बार फिर विधायक होंगे यहाँ से। चलिए, इन्होंने अपनी जो है सियासी राय हमारे साथ साझा कर दी, ये भी बता दिया कि लोगों की क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस आधार पर लोग वोट करेंगे और ये खुद किस दल के साथ जाएंगे। हमारे साथ एक और जनाब है, अपना परिचय दे दीजिए। नूरुद्दीन, रजदेपुर। नूरुद्दीन साहब, 2022 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, इस इलाके के लोग, जैसा कि मैं पहले ही अपने दर्शकों को बता चुका हूं कि रोड के इस तरफ सदर क्षेत्र पड़ता है जिस हिस्से में हम लोग खड़े हैं, ये जंगीपुर का इलाका पड़ता है, तो आपके इलाके के वो कौन से समस्या हैं जो कि वर्तमान सरकार ने ठीक ढंग से उसको उस पर काम किया, या कौन से ऐसे काम हैं जिस पर आपको लगता है कि और जो है कि गंभीरता की ज़रूरत थी या उसको और तफसील से किया जाना चाहिए? अरे महंगाई है, बेरोज़गारी है, यही सब मुद्दा है, इसलिए सफाई को ज़्यादा तो लोग वोट करने के लिए तैयार है। ये तो सुबह भर में स्थानीय कोई भी मुद्दा है जो कि आप चाहते हैं कि सरकार ख्याल रखे? अरे सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, यही वो गल्ला मत दें, मगर नौकरी दे दें तब वो आदमी कमा के खा लेगा, वो गल्ला 5 किलो दे के बेवकूफ़ बनाए वाली बात है। अकलिया समाज के लोग सरकार से खुश हैं उनके काम पर? नहीं नहीं, कोई नहीं खुश। क्या चाहते हैं? ज़्यादा लोग नाराज हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई, ये दो बहुत बड़ा मुद्दा है, और तो कुछ होता ही रहता है मगर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, महंगाई। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनको भी अपनी राय में हम शुमारी में शामिल कर लेते हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शालू अंसारी है। अंसारी साहब ये बताइए कि 2022 के चुनाव में माइनॉरिटी जो है रजदेपुर शहरी इलाके की, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी 2022 में जो सरकार बनेगी उससे उम्मीदें क्या होंगी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव में शांति व्यवस्था ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे उस पर हम आएंगे, शांति व्यवस्था पर भी आपसे बात करेंगे। जो जो अभी वर्तमान की सरकार है उसकी नीतियों पर हम आपसे जानना चाहते हैं, और भविष्य में जो सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें आपकी हैं, जरा उस पर बताएं। भविष्य में जो सरकार थी इससे पहले अखिलेश यादव ने, वो तो पिछली सरकार हो गई, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, पिछली सरकार ने थी तो युवाओं के लिए जैसे लैपटॉप दिया, 108 दिया, एम्बुलेंस दिया, सरकार शिक्षा में भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार तो देख ही रहे हैं कि हाल ये है कि बाबा जब से आए हैं तब से जो है सबको चिलमे का बस भू सवार है, और बाबा की तो हरकत ऐसी है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। कहाँ से जानकारी हुई चिलम वाली और ये सब बातें? अरे बिल्कुल, ये तो बाबा की तो हरकतों से लगता है कि हम ऐसा नशे में रहते हैं, उनको समझे में नहीं आता है कि लोगों को चाहिए क्या, 5 किलो अनाज चाहिए प्रचार दुनिया भर का।
5 किलो अनाज देंगे प्रचार दुनिया भर का, पता चला कि 1 किलो चावल की कीमत 20 रुपये है, उस पे खर्चा कर दे रहे हैं 40 रुपया। ये सब जानकारी सोशल मीडिया से? अरे सोशल मीडिया से ये तो सारी चीज़ें आप ही लोग से मिलती हैं, सोशल मीडिया भी तो भाई जानकारी तो दे रही है। सोशल मीडिया से ना जानकारी कोई ऐसा तो है नहीं कि सपने में बसारत होती है, लोगों को जब तक कोई चीज़ खुल कर नहीं आती लोगों को कैसे पता चलता है। ये सब सोशल गतिविधियों की जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर है। बिल्कुल सोशल ही मीडिया से तो सारी चीज़ें जानकारियाँ हो रही हैं। पहले जो है मेन मीडिया, अगर से सोशल मीडिया पे कोई चीज़ गलत होती थी तो मेन मीडिया उसको जो है। औसत में आप सोशल मीडिया पे कितना वक्त बिताते हैं? अब औसत में मान के चलिए कि 1 घंटा तो हम लोग नाइट में, बाकी दिन भर तो काम ही आदमी करता है कुछ ना कुछ वर्क। अब जीने के लिए भाई, ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, और हालात तो आप देख ही रहे हैं। तो ये कैसे जानकारी होती है कि सोशल मीडिया पे जो भी जानकारी साझा की गई है वो सब पुष्ट है, वो सही है? नहीं, ये तो भाई पूरी तरीके से कहा भी नहीं जा सकता कि जो बातें निकल कर आती हैं पूरी तरीके से सही हैं। उसमें कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। तस्दीक का आधार आप क्या मानते हैं? कैसे का आधार यही है कि जब तक कि उसको पूरी तरीके से जाँच ना लिया जाए और भी उसके बारे में पढ़ ना लिया जाए, तब तक उसको कहना कि ये सही है ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक व्यूअर थे जिन्होंने कुछ अपने जो है कि विचारों को हमारे साथ साझा किया, उसका आधार इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया है। इस पर हालांकि हम एक अलग से चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो भी फेक न्यूज़ है या जो भी कॉन्टेंट है उसको क्रॉस चेक किए बिना लोग उसको सही मान लेते हैं या क्रॉस चेक करने का क्या मैकेनिज्म अडैप्ट करते हैं, इस पर हम एक पृथक चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को क्रॉस चेक करना नहीं है। आज हम रायशुमारी के क्रम में रद्दपुर शहरी इलाके में हैं, उसी पर हम फोकस करेंगे। अपना परिचय दीजिए। बबलू अंसारी। बबलू, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान की सरकार है, अकलियतों को लेकर के जो उनकी नीति है, आप उससे संतुष्ट हैं? इनकी नीतियाँ जो चल रही हैं वो सही है। हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, होने दीजिए, क्या करना है। हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति है, हिंदू मुस्लिम पे ही काम होना है। थोड़ा इसका विस्तार दीजिए, कैसे आपको लग रहा है कि सियासत जो है कि बाईपोलर हिंदू मुस्लिम की हो रही है? टोटल हिंदू मुस्लिम है। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि गाजीपुर के ही तो सिर्फ हमारे व्यूअर है नहीं, देश भर के हैं, विदेशों में भी लोग देखते हैं। थोड़ा बताइए क्या आपको आधार क्या है जिसके बिना पे आप कह रहे हैं कि बाईपोलर पॉलिटिक्स? अभी जो है वहाँ पे हरिद्वार वाला देख लीजिए, या अभी जो एकदम सोशल मीडिया पे ये जिनके अभी गिरफ्तारी हुई है, एकदम खुल्लम खुल्ला लोग बोल रहे हैं। क्या किसकी गिरफ्तारी है, थोड़ा बताइए ऐसे सांकेतिक। क्या नाम है उसका? त्यागी चरण सिंह की। तो इसके अलावा जरा बताइए कि आवाम क्या चाहती है सरकार से? आवाम क्या चाहेगी? आवाम भैया वही चाहेगी कि भाई रोजी रोजगार सही मिल जाए, सब सुख सुविधाएं सही हो जाए। रोड एकदम खराब है, शांति व्यवस्था बनी रहे, रोड पूरी तरीके से खराब है, पूरी शहर की रोड खराब है। क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं? कुछ भी नहीं हुआ शहर में, शहर की पूरी रोड खराब है। हम लोग टोटो चलाते हैं, दिन भर झेलते हैं उसको। क्या बोले विधायक जी? विधायक जी से कभी कहे कि भैया रोड सही नहीं है? विधायक जी से कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। शहर के वो भी मोहल्ले वाले कोशिश नहीं किए कि जरा विधायक जी से मिल करके बताया जाए कि आवाम को ये समस्या है? अरे बेटा दुलारे भाई हैं, ये अपना लगे रहते हैं, आते जाते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनको कि हम अपनी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है रजदेपुर शहरी इलाके में, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं, उनकी भी राय को हम शामिल करना जरूरी समझते हैं। अपना परिचय दीजिए। मुस्तफ़ा अंसारी नाम है मेरा। मुस्तफ़ा साहब, 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं जी, अब तक जो इस इलाके के विधायक हैं, वर्तमान के सूबे की सरकार है, उसकी नीतियों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, नीतियों से तो हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा जी, इसलिए कि हम लोग कारोबारी हैं, छोटे मोटे अपना जीविका चलाते हैं, इस सब महंगाई जो इतनी इस कदर है, इस महंगाई से हम लोगों का बिजनेस काफ़ी टूट चुका है। तो महंगाई एक एक से आ गई, इसके पहले नहीं थी? महंगाई बिल्कुल थी, लेकिन अब हमने अपने होश में 48 साल में, मतलब 20 साल 30 साल से हमने होश संभाला, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हमने नहीं खरीदा था। अब 100 रुपये पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, तो जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा सर, तो उसी के साथ साथ हर चीज़ बढ़ रही है। अब हमारे होश में तो हमने कभी
सरसों का तेल अब 200 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है हमको, तो बजट फेल हो गया ना हम लोग का, बजट फेल हो गया हम लोग। क्या करना चाहिए सरकार को कि बजट दुरुस्त हो जाए? सरकार को महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, और जनता के लिए जो सुविधा है वो काम करना चाहिए। क्या वो सुविधाएं हैं जो आप कह रहे हैं? सुविधा यही है कि भाई सरकार अपनी नीति बनाए, महंगाई को कम करे और लोगों की, और जो है एक जिम्मेदार वोटर हैं आप, जरा बताएं कि वो कौन सी नीतियां होनी चाहिए, नीतियों में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए जिससे कि आवाम की समस्या कम हो और उनके अंदर खुशहाली आए। देखिए आप, जैसे अब काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि हर चीज़ जैसे GST के दायरे में लाए हुए हैं, तो बहुत दिन से पेट्रोल डीजल की भी बात चल रही है GST के दायरे में लाने के लिए, तो अगर वो GST के दायरे में लाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट जो अपना ये लाएगी कम करेगी, तो उसमें से पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा। अब कम होगा जो उसकी वजह से बहुत से चीज़ों पे दाम पिछले दिनों तो किया गया, GST को रिड्यूस किया गया, कहाँ रिड्यूस हुआ बताइए? अभी तो सुनने में आ रहा था कि 1 जनवरी से 12% होने वाली, 5% कपड़े पे से हटा के 12%। बहरहाल तो अब पता नहीं हुआ कि पेट्रोल की बात थोड़ी आप कपड़े पे चले जा रहे हैं, कपड़े की बात थोड़ी आप नाली पे आ जा रहे हैं, नाली की बात थोड़ी आप बेरोजगारी पे आ रहे हैं। जब घटेगा दाम तभी ना हर चीज़ बढ़ेगी, जब पेट्रोल का दाम घट जाएगा और इसको GST के दायरे में लाते हो तो ऑटोमेटिक दाम घटेगा, तो हर चीज़ की दाम कम होगा, हर चीज़ का दाम कम होगा। 2022 में जो सरकार बनेगी, इस इलाके के लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, उनसे आप रब्ता करते होंगे, 2022 में जो नई सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आवे जनता के हित में काम करे। वो कौन से काम हैं? बहुत से काम हैं, तमाम बेरोजगारियां हैं, रोजगार के अवसर पैदा करे गवर्नमेंट, जो भी सरकार बने रोजगार के अवसर पैदा करे और महंगाई को थोड़ा निचले स्तर पे लाए, कम करे, तो आदमी को राहत हो। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनको भी हम अपने चर्चा में शामिल करते हैं। जनाब अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज साहब, अभी फ़िलहाल में कुछ ही वक्त में, कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप जब जाएंगे पोलिंग बूथ पर वोट देने, तो किन बातों को अपने जहन में रख करके आप वोट डालेंगे? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर जो है वोट किया जाएगा। और मैं कौन इस पे खरा उतर गया? निश्चित रूप से अभी वर्तमान में योगी सरकार है, इसको कार्यों को देख के जो है जनता जो है, मैं ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता इनके कामों से संतुष्ट नहीं है। और जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, तो उससे कहीं ना कहीं इनसे बेहतर सरकार थी। और इससे कौन से मुद्दे हैं जिस पर कि अकलियत समाज असंतुष्ट है? बहुत से मुद्दे हैं। मसलन उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से जो है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और स्वास्थ्य सुविधा के का हाल आपने COVID-19 में भी देखा किस तरह से गंगा मिला से बह रही थी। तमाम लोग उसमें, सारे वर्ग के समाज, तमाम समाज के लोग जो है उसमें प्रताड़ित थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, तो उसमें मुस्लिम समाज भी प्रभावित हुआ। ऐसा नहीं है कि जो है केवल यादव और पंडित और ये सारे जातियाँ उसमें प्रभावित हुई। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि लोगों को असुविधा हुई। चलिए, एक मुद्दा आपने बताया, अब ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई तो और भी सरकारों में बढ़ती थी। निश्चित रूप से बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप जब मनमोहन सिंह के सरकार में जब $102 प्रति बैरल तेल था, आज जो है $65 प्रति बैरल है, और तेल का उस समय का दाम देखिए ₹65 लीटर, जब $102 प्रति बैरल था तो उस समय तेल का दाम जो है पेट्रोल का ₹65 था, और आज ₹65 है। मौलवी साहब, डॉलर वोलर की तो बात है, नहीं, क्यों नहीं बात है, उससे क्या महंगाई पे असर नहीं पड़ेगा? आप बता रहे हैं, हाँ, ये तो ठीक हुआ। हाँ, एक ऐसा कुछ बताइए कि हमारी जो दर्शक है, आम आदमी भी समझे, ये आप इकोनॉमिक्स बताने लगे ऑयल और पेट्रोकेमिकल, नहीं, ये पेट्रोल डीजल पे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, और इसी पे सारी चीज चलती, चाहे आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे जो अन्य सुविधाएं हों, इससे जो है महंगाई पे पूरा असर पड़ता है। आप भारत से ही जो है तेल लेके नेपाल और अन्य देश भूटान जो है हमसे सस्ता तेल दे रहे हैं,
भारत में राम राज्य है और यहाँ तेल का दाम जो है 100 रुपए से ऊपर लीटर है, और रावण के देश लंका में तेल हमसे सस्ता है, हमसे ही लेता है। कहाँ से जानकारी हुई कि भारत से नेपाल को तेल दे रहा है? आपके आपके माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही मैं जान रहा हूँ। मैं कहाँ जान रहा हूँ, मैं तो आपके ही माध्यम से जान रहा हूँ। सोशल मीडिया भी देखते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी चीज़ देखते हैं। आपका भी जो है चैनल जो है निश्चित रूप से इसमें है, शामिल है। और भी देखिए, सोशल मीडिया भी देखते हैं, फेसबुक पोस्ट से भी जानकारी लेते हैं। बिल्कुल, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ को फॉलो किया जाता है। इसको कैसे तस्दीक करते हैं कि जो मालूम है वो दुरुस्त है? बिल्कुल, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसको भी देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छोड़िए, देसी का पहले बताइए। हाँ, देसी में है जो है ABP है, आज तक इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सूचना है वहाँ पर है उसकी तस्दीक कैसे करते हैं? तस्दीक जो सारे चैनल बता रहे हैं उसी को तो माना जाएगा कि क्या क्या मनमोहन सरकार में तेल का रेट कितने डॉलर था, कितने बैरल था, आज क्या बैरल है, तो सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। सरकार में कोई ऐसी बात है जो कि लगता है कि आवाम के हक में है? अब ऐसा तो कहीं लगता नहीं है, सारे लोग असंतुष्ट हैं योगी सरकार से, और योगी सरकार से जनता क्या सारे असंतुष्ट हैं? केवल अकलियत समाज से? अकलियत कैसे, हम कह रहे हैं कि मौर्य समाज की, कुशवाहा समाज की बात ले लीजिए, पूरे मानी केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा गया कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम सारे लोगों ने पिछड़े वर्ग का मान के और अकलियत ने वर्ग ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे निशान पे ओढ़ दिया कि माननीय केशव जी मौर्य जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। और उनको जो है लास्ट में धोखा दिया गया और उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके बाद भी अपमानित किया गया। अपने जो PWD का उनका विभाग था उसमें भी जो है उनको सम्मान और मान सम्मान नहीं दिया गया, उनके जो है उनके कार्यालय की नेम प्लेट हटा दी गई, चपरासी की भर्ती नहीं कर पाए, कोई अधिकारी उनका विभाग का नहीं सुन रहा है। पूरे 5 साल जो है हमारे पिछड़े वर्ग के जो नेता थे माननीय केशव प्रसाद मौर्य, उनको अपमानित किया गया। तो करते क्या है? हम तो भाई व्यापारी हैं। हमारे साथ एक व्यापारी हैं जिनकी अपनी राय है, वो अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, वो डॉलर पेट्रो इकोनॉमी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो वर्तमान की सरकार है उससे आवाम नाखुश है। इनकी अपनी ये व्यक्तिगत राय है। इसी तरीके से हम फिर किसी चुनावी चर्चा को लेकर के आप सबके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए NBTV।